जी हमारी बेटी इंजीनियर है और उनकी तनख्वाह आपके बेटे के बराबर ही है। ये रिश्ता हम पक्का करें, इसके पहले आपको ये बात साफ कर दे कि हमारी सुरभि घर के काम नहीं करेगी, वो नौकरानी लगवा लेगी सारे काम के लिए। हमारी इकलौती बेटी बड़े नाजों से पली बड़ी हुई है। अनिता जी ने लड़के वालों को साफ साफ बता दिया। मिहिर और उसके माता पिता लड़की की मम्मी की बात सुनकर एक बार के लिए चौंक गए, लेकिन उन्हें अच्छा भी लगा कि साफ साफ बात हो गई। मिहिर की मम्मी आशा जी और पिता रमेश जी ने उनसे कुछ समय बाद विदा ली। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारे समाज में बदलाव तो आ रहा है, लड़के भी घर के काम करना सीख रहे, लेकिन लड़की की तरफ से ऐसी बात का रखना लड़के वालों के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मिहिर को सुरभि बेहद पसंद थी, उसने घर आकर उसकी वकालत की। मिहिर ने कहा, आजकल कोई लड़की ये घर के काम नहीं करती और हम मेड लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, मुझे उसके जैसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए, आप लोग उनको हाँ कह दीजिए। मिहिर के सामने कोई दलील देना व्यर्थ था, बात उसकी भी सही थी। आखिर बरसों से घर के काम जो घर की औरत बिना कुछ कहे बिना छुट्टी लिए बीमारी में भी करती रही, उसका मोल कहां किसी ने आका। घर के कभी ना खत्म होने वाले काम को करती औरत शाम को यही तो सुनती, दिन भर आराम ही तो रहता है, काम ही क्या है तुम्हें, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब जब वो पूरी तरह से पैसा कमाने में समर्थ है तो क्यों करे घर के काम। यही वजह है कि आजकल लड़कियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है। मिहिर का विवाह धूमधाम से सुरभि के साथ संपन्न हुआ। बहू बनकर सुरभि मिहिर के घर आ गई। कुछ दिन विदेश घूमकर आने के बाद असली जीवन आरंभ हुआ। सुरभि को चाय मैगी और सैंडविच बनाना आता था, बाकी सब सीखने की ना जरूरत थी ना इच्छा। आशा जी जो अब तक 3 लोगों के लिए नाश्ता खाना बनाती थी अब 4 का बनाती, बाकी काम के लिए बाई थी। रमेश जी के मित्र और उनकी पत्नी ने नेपाल जाने का प्रोग्राम बनाया तो रमेश जी भी तैयार हो गए। मिहिर के आग्रह पर एक हफ्ते के अंदर ही रमेश जी और आशा जी नेपाल के लिए रवाना हो गए। सुरभि को घर के सामान राशन आदि के बारे में बता दिया था, मिहिर को साथ साथ समझा दिया था। उनके जाते ही नवदंपति ने 2 दिन बाहर से खाना मंगवाया, बहुत एंजॉय किया। तीसरे दिन सुबह सुबह खाना बनाने वाली बाई ने फोन कर बताया कि वो 3 दिन नहीं आएगी। सुरभि का गुस्सा 7वें आसमान पर था, मिहिर भी इस गुस्से का शिकार हुआ। अब पहली बार सुरभि ने रसोई में कदम रखा, दोनों को ऑफिस जाने में देर हो रही थी, फिर भी जैसे तैसे चाय बनी और ब्रेड का नाश्ता करके वे निकल गए। दोपहर को कैंटीन का खाना जैसे तैसे गले से नीचे उतारा। रात को थके हारे घर पहुंचे तो घर के खाने की याद सताने लगी। मिहिर ने पहल करते हुए रसोई में कदम रखा और आलू काटना शुरू किया। सुरभि भी बाल बांध कर आ गई। आटा का डिब्बा मिहिर को पता था, थोड़ा आटा निकाल उसने आटा गूंथ लिया। सुरभि ने डरते डरते कुकर में सब्जी बनाई। अब आई रोटी की बारी जिसमें दोनों ही असफल रहे, भूख के कारण गुस्सा भी आने लगा। तब उन्होंने गली हुई सब्जी निकाल उसी कुकर में चावल लगा दिया। सुरभि ने चारों तरफ नजर घुमाई तो सारी किचन गंदी हो चुकी थी, दूध भी दिन भर बाहर रखा था तो वो फट गया था, अब ना तो दूध ना दही। 3 सिटी के बाद चावल आखिरकार बन ही गए। मिहिर ने सुरभि को अचार लाने को कहा तो सुरभि मुंह ताकते बोली, मुझे नहीं पता कहाँ है। मिहिर ने 2 प्लेट में चावल और सब्जी निकाली और दोनों खाने लगी। बेस्वाद खाना भी उन्हें अच्छा लग रहा था। मिहिर बोला, यार बैंक में कितने भी पैसे हो लेकिन 2 वक्त घर का खाना मिले तो सुकून आता है। सुरभि भी उसकी बात से सहमत थी, घर के काम को कभी तवज्जो नहीं दी जाती लेकिन जब खुद करना पड़े तो नानी याद आ जाती है। लड़का हो या लड़की दोनों पर एक बात लागू होती है कि जितना बाहर का काम सीखना जरूरी है उतना घर का काम भी। नौकरी करने पैसा कमाने से ये बात मान लेना कि घर का काम सीखना जरूरी नहीं बिल्कुल गलत है। किस समय पर क्या जरूरत पड़े कोई नहीं जानता, सीखा हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिहिर ने कहा, यार सुरभि हम लोग विदेश के प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे थे, यदि हम दोनों लंदन जाए तो फिर ये सारे काम कैसे होंगे, हम दोनों तो नौसिखिए हैं। सुरभि ने सिंक में प्लेट रखते हुए कहा, अरे हाँ वहां तो मेड कुक कोई नहीं मिलता, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अगले दिन बाय आ गई, फैला हुआ किचन देख बोली, दीदी ये क्या है, मैं ऐसे कैसे काम करूं। मिहिर ने जवाब दिया, आज आप कर दो कल तो मम्मी आ जाएगी। अगले दिन आशा जी और रमेश जी वापस आ गए, आशा जी ने फिर से घर संभाल लिया। सुरभि की आज छुट्टी थी,
तो वो आशा जी के पास आकर बोली, मम्मी आप मुझे खाना बनाना सिखाएगी? आशा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे हाँ क्यों नहीं, जाओ मिहिर को भी बुला लाओ, दोनों सीख लो। सुरभि को आज एहसास हुआ कि ऑफिस जाना, घर संभालना दोनों ही जरूरी है, अपने घर के काम तो करने आने ही चाहिए। दोस्तों ये आजकल अक्सर सुनने को मिलता है कि लड़की कमाती है तो खाना नहीं बनाएगी, लेकिन दोनों काम दोनों के लिए, लड़के और लड़की के लिए जरूरी है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, घर के हर काम के लिए हमेशा आप मेड पर निर्भर नहीं हो सकते। दोस्तों ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।